हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि फायर क्राई 5 आपको 2022 में लेना चाहिए या नहीं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फायर क्राई 5 की स्टोरी हमारे लिए ठीक ठाक है, एकदम ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ठीक है। फायर क्राई 4 मैंने नहीं खेला है और 6 भी मैंने नहीं खेला है, तो उन दोनों से कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन फायर क्राई 3 से कंपेयर करें तो ये स्टोरी को फायर क्राई 3 से अच्छा हम नहीं कह सकते। फायर क्राई 3 में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड स्टोरी थी प्लेयर से, प्रोटैगनिस्ट से। वहाँ पर जो था हमारा जेसन, आई थिंक जेसन नाम था उसका, याद है मुझे ठीक से तो। और यहाँ पर ऊपर से हमें नेमलेस स्पीचलेस कैरेक्टर मिलता है। नेमलेस कैरेक्टर और स्पीचलेस कैरेक्टर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। यहाँ पर हमारे कैरेक्टर को बस सब डेप्यूटी या रूकी कह के बुलाते रहते हैं, तो उसका कोई नेम होता ही नहीं है। और स्पीचलेस कैरेक्टर तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं, जो कुछ कहते नहीं, कुछ नहीं बोलते। मतलब अगर कोई चॉइस आप चूज भी कर रहे हो कुछ बोलने का, तो वो बोलेगा नहीं। गेम ऐसा शो करेगा कि आपकी वो बोल दिया, लेकिन असलियत में वो बोलता नहीं है, तो ये अच्छा नहीं लगता है मुझे। और इसी टाइप के कैरेक्टर होने के कारण बहुत कम कनेक्टेड फील होता है मुझे तो गेम से, और हो सकता है कि आपको भी ऐसा हो। स्टोरी में कुछ खास सपोर्टिव कैरेक्टर भी देखने को नहीं मिलते हैं, वो बस हमसे अपना काम निकलवाते रहते हैं आधे से ज़्यादा टाइम। और यहाँ पर स्टोरी में आधा से ज़्यादा टाइम ऐसा काम करने का रहता है हमको, मतलब उन सपोर्टिव कैरेक्टर के लिए, जो कि वो लिटरली खुद ही कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमसे करवाते हैं। इतना सिंपल और आसान काम रहता है, फिर भी हमसे ही कराते हैं। और मिशंस बार बार रिपीटेटिव हो जाते हैं स्टोरी के, तो ये बोरिंग कर देता है गेम को, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो आप बोलोगे ये बंदा तो बस बुरा ही कर रहा है गेम की, अच्छी बातें क्या है वो बताओ। स्टोरी में अच्छी बात ये लगी मुझे सबसे, कि यहाँ की जो सीड फैमिली है, मतलब जोसेफ सीड जो मेन विलन है, उसकी फैमिली, इसके फैमिली के हर कैरेक्टर विलन है, मतलब एक टेररिस्ट टाइप के हैं। चार भाई बहन हैं लोग, जोसेफ सबसे बड़ा है, नहीं जेकब सबसे बड़ा है, सॉरी सेकेंड जोसेफ, उससे छोटा जॉन, सबसे छोटी है फेथ सीड। इन सब का अलग अलग कैरेक्टर है, जो कि बहुत अच्छे से शो किया गया है। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, कोई भी विलन इन चारों में से वास जितना कूल नहीं है, लेकिन ये लोग भी है। वास अपनी जगह बहुत कूल था, ये लोग अपनी जगह है, मैं ये मानता हूँ, ये एग्री करता हूँ मैं। ये चीज़ अच्छी है फायर क्राई 5 की। यहाँ पर ऐसा होता है इसकी स्टोरी में कि मेन विलन जो है जोसेफ सीड, तो हम जितनी बार भी मिलते हैं स्टोरी प्रोग्रेस करते वक्त जोसेफ सीड से, तो कई बार ऐसा लगता है कि जोसेफ सीड की बातें कई ज़्यादा सेंस बनाती है हमारी बातों से। और इनफैक्ट कई बार तो मुझे ऐसा लगा है कि हम विलन हैं। जोसेफ सीड चाहता है एक पैराडाइज बनाना, मतलब एक प्लेस जहाँ पर ना पेन और सफरिंग चीज़ें एग्जिस्ट ना करें। तो ये अच्छी बात है, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जो तरीके यूज़ करते हैं ये लोग सीड फैमिली आने की, ये गलत है। मतलब मर्डरिंग, किडनैपिंग, ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, लेबर बनवा रहे हैं, ये सब सही नहीं है। फेथ सीड एक नॉर्मल टाइप की विलन है, जो कि ना हेलुसिनेट करती है अपने एनिमीज को, और इनफैक्ट कई सारे सिविलियन जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको भी हेलुसिनेट कर अपने टीम में शामिल करी हुई है। वहाँ जेकब सीड एक रिटायर्ड या एक्स सोल्जर है, जो कि ब्रूटल है काफ़ी, बहुत अच्छा फाइट करता है वो भी। और रहा सवाल जॉन सीड का, जॉन सीड दोनों है, थोड़ा काइंड भी है, थोड़ा खतरनाक भी है। ये चारों मिलकर एक अच्छा विलन फ्रेंचाइज बनाते हैं, जो कि गेम में हमेशा याद रखा जाएगा, ऐसे विलन है लोग। चोरी में आपको थोड़े बहुत, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, थोड़े बहुत ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस, कि थोड़े बहुत चॉइस है यहाँ पर। इस गेम को लगभग आरपीजी बनाया जा रहा है अब। सीड फैमिली को मैं सेकंड बेस्ट विलन कहूँ या नहीं, मुझे यहाँ पर अभी भी शक है, क्योंकि मैं फायर क्राई 4 अभी तक नहीं खेला हूँ, 4 और 6 ये बात हो गई, और वास अलग टाइप का विलन था, ये लोग अलग टाइप के हैं। वास एकदम टोटल इनसेन था, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कई बार ऐसा लगता है जोसेफ सीड की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है अपने जो कैरेक्टर तो खैर अपना बात नहीं करता, प्रोटैगनिस्ट आई मीन,
उसके साथ जो सपोर्टिव कैरेक्टर बात करते हैं तो उनसे ज़्यादा कई ज़्यादा सेंस बनाती है जो सेफ सीट यानी कि जो हमारा विलन है उसकी बातें। फायर क्राई 3 में क्या था, वास को बहुत अच्छा सुपीरियर दिखाया गया लेकिन वहाँ पर मेन विलन हमारा हॉइट था जो कि फालतू लगा यार, क्यों ऐसा करें नहीं पता यूबीसॉफ्ट वाले। और एक सिट्रा को भी विलन कह सकते हैं वहाँ पर जो कि ठीक नहीं यूज़ करते रहती है अपना जेसन को। और यहाँ पर गेम के विलन ऐसे कैरेक्टर है जो कि ना आपकी स्टोरी में रुचि बढ़ा देंगे, मतलब वहाँ आपको इंटरेस्ट कर देंगे कि इनके बारे में जानने के लिए। स्टोरी डिज़ाइन इसका थोड़ा बोरिंग है लेकिन कैरेक्टर्स मतलब विलन वाले कैरेक्टर अच्छे हैं यहाँ पर, अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं अगर हम कंपेयर करें अपने प्रोटैगनिस्ट से तो। और एक चीज़ है जो कि इसके गेम डिज़ाइन के लिए रिलेटेड है लेकिन मैं इसे यहाँ इंक्लूड करना चाह रहा हूँ क्योंकि ना ये स्टोरी से भी रिलेट करता है। जैसे यहाँ का स्टोरी स्ट्रक्चर जो है वो ना रिपीटेटिव है, मतलब ना एक ही टाइप के क्वेस्ट बार बार आएंगे, एक ही टाइप के मिशन, और उसी करते करते स्टोरी प्रोग्रेस होगी गेम की, तो ये बदलता नहीं है, सेम रहता है शुरू से लेकर आखिरी तक। और ये ना कुछ टाइम के बाद बहुत बोरिंग हो जाता है, मतलब ऐसा लग रहा है रहने दो यार इसको, गेम ही हटा दूंगा मैं कंप्यूटर से या प्ले स्टेशन जो भी जहाँ से भी खेल रहे हो आप। यहाँ पर एक चीज़ है जैसे कि इसका मैप देख रहे हो यहाँ पर आप लोग, तीन रीजन में डिवाइड है, फेथ सीट का रीजन, जेकब सीट का रीजन और जॉन सीट का रीजन। ये तीनों अपने एरिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, लीड करते हैं वहाँ पर, मतलब एक मान लो एक राजा है उसका राज्य है, ये तीनों अलग अलग राजा इन सब अपना राज्य को संभालते हैं। और स्टोरी में प्रोग्रेस करने के लिए हमें एक्टिविटी करने पड़ते हैं जैसे कि आउटपोस्ट क्लियर करना, सप्लाई वैन को लूटना, और वहाँ पर जो लीडर होते हैं जो विलन लोगों के, जैसे कोई ग्रुप लीडर कैप्टन टाइप के होते हैं ना मर्सिनरीज के, यहाँ पर पेगीज कहा गया है विलन को, पेगी बोलते हैं, पता नहीं कुत्ता टाइप का नाम है घर का लेकिन पेगी सी नाम है। हाँ तो पेगी के लीडर, ग्रुप लीडर, कल्ट लीडर जो भी लिखे रहता है यहाँ पर, उनको मारने पर हमारा प्रोग्रेस होता है स्टोरी, तो एक सर्टेन टाइम के बाद ये बोरिंग हो जाता है। आउटपोस्ट क्लियर करो जो भी है उनकी समान तबाही करो विलन्स की तो प्रोग्रेस होगा। तो यहाँ पर मान के चलो हम एक रीजन में खेल रहे हैं किसी भी तीनों से एक रीजन में, तो वहाँ पर हम किसी को किडनैपिंग से बचा रहे हैं या किसी को मरने से बचा रहे हैं सिविलियन को, और मार रहे हैं कल्ट लीडर को, आउटपोस्ट क्लियर कर रहे हैं और कोई भी साइड एक्टिविटी कर रहे हैं मैप की उस साइड की, तो वहाँ पर हमारा आरपी पॉइंट इंक्रीज होता है, रॉयल पास नहीं है। तो जैसे ही एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आरपी पॉइंट हमें मिलता है तो एक किडनैपिंग टीम आती है हमारे लिए, मतलब उससे हम लड़ नहीं सकते, जितना भी मारोगे वो लोग फिर आ जाएंगे और भाग भी नहीं सकते, वो हमें किडनैप कर कर ले जाते हैं उनके पास जो भी उस रीजन का लीडर होता है, जैसे कि जॉन सीड हो गया वो उसके पास ले गए मान के चलो। तो किडनैप कर के ले जाने के बाद स्टोरी प्रोग्रेस होता है, मतलब हम फिर भागते हैं वहाँ से, फिर कोई मिशन करते हैं, फिर किडनैप होते हैं, फिर भागते हैं, ऐसे करते करते पूरा गेम कंप्लीट हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाता है और बोर हो जाने होता है भाई, क्या ही बताऊँ मैं बहन सबको। ये किडनैपिंग और एस्केपिंग का साइकिल चलता रहता है जब तक स्टोरी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाता, जो कि सही नहीं लगता है मुझे, थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए था इसे। और एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस, अगर आप फाइट करोगे जोसेफ सीड से तो उसकी फाइट ना मुझे इतनी क्रिंजी लगी थी, क्या बताऊँ मैं, बहुत क्रिंजी लगी थी, मजा भी आया था लेकिन क्रिंजी भी लगी थी। फायर क्राई से बॉस फाइट एक्सपेक्ट मत करना यार, बहुत गंदा रहता है यहाँ पर। गेम प्ले फायर क्राई सीरीज का हमेशा से इंजॉयबल रह चुका है और वो इसका सबसे एडवांटेज कह सकता हूँ मैं इसे, और क्यों ना कहें, इतना अच्छा गेम प्ले हमें बहुत कम ओपन वर्ल्ड गेम में देखने को मिलता है। फायर क्राई सीरीज कोई से भी पार्ट को ले लो, इसको खेलने में ज़रूर मज़ा आएगा आपको, चाहे स्टोरी मज़ा आए ना आए। फायर क्राई 5 भी अपने प्रेडिसेसर यानी कि फायर क्राई 4, न्यू डॉन नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि वो तो नया गेम है, वो सबसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और अच्छे इम्प्रूव हुआ है, बेकार इम्प्रूव हुआ है ये नहीं कह सकते, अच्छा इवॉल्व हुआ है। इस गेम में हमें टोटल 4 फायर आर्म कैरी करने को मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलता है, 4 थ्रोएबल वेपन का ऑप्शन मिलता है और 2 मेली वेपन। यहाँ पर 90% ऑफ द गन्स में कोई रिकॉयल नहीं है खास, तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है किसी किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए ठीक है, मुझे ऐसा कुछ सही नहीं लगता क्योंकि पुलिस वाला है जो भी है ऑफिसर है, जानता है डेप्यूटी गन चलाना कैसे चलाते हैं,
तो ये थोड़ा जीरो रिकॉइल या फिर क्लोज टू जीरो कह लो, ये ओवर सिंप्लीफाइड कर देता है गेम को, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ठीक है कुछ नहीं होगा उससे। और यहाँ की स्नाइपर राइफल के बारे में क्या बताऊँ मैं, बहुत ही कम डैमेज करते हैं और बहुत अच्छे एक्यूरेट भी नहीं रहते हैं। मतलब इससे अच्छा आप बड़ा स्कोप लगा लो एआर में और टैप टैप करके मारो तो ज़्यादा वर्थ इट रहेगा और मर भी जाएगा एनिमी, कोई दिक्कत भी नहीं। और भूल कर भी बता रहा हूँ मैं, फ्लेम थ्रोअर यूज़ मत करना, क्योंकि ना आप एनिमी को हार्म करो ना करो अपने आप को ज़रूर जला लोगे उससे। बहुत बेकार वेपन है क्योंकि हर तरफ पेड़ पौधा जंगल वंगल रहता ही है, आग लग जाता है तुरंत फ्लेम थ्रोअर यूज़ कर रहे हो तो खतरनाक है भाई फ्लेम थ्रोअर यूज़ करना, बहुत अपने ही रिस्क पे करो यूज़ कर रहे हो तो। तो अगर हम देखें यहाँ पर हम ढूंढेंगे न्यू डॉन के जैसी एबिलिटी, मतलब वो डबल जंप वाला एबिलिटी हो गया ऐसा टाइप की एबिलिटी, तो यहाँ पर ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है क्योंकि अलग टाइप का प्रोग्रेस होता है, तो उस हिसाब से मिलना भी नहीं चाहिए इसको, जो कि ठीक है लेकिन ये गेम प्ले को थोड़ा बोरिंग कर देता है, सिंपल कर देता है, लेकिन ठीक है अच्छा है, ऐसा नहीं लगेगा कि दूसरा गेम खेल रहे हैं यार क्या खेल रहे हैं, ऐसा नहीं लगेगा। और फायर क्राई 5 में हम अपनी मर्जी से अपना स्टाइल चूज़ कर सकते हैं गेम प्ले का। स्टाइल चूज़ करने से मेरा मतलब है, या ज़रूरी नहीं है आपको हर टाइम स्टेल्थ रहना है या हर टाइम असॉल्ट ही करना है सामने वाले के ऊपर, ऐसा नहीं है। अब मान के चलो कोई मिशन चल रहा है, वहाँ पर किडनैप कर लिए हैं किसी को, नॉर्मल पीपल लोगों को अपन को बचाना है, तब तो स्टेल्थ ही खेलेंगे ना, असॉल्ट नहीं कर सकते क्योंकि मार देगा भाई उसको, ये तो अच्छी बात नहीं है, समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है या हर मिशन किडनैपिंग वाला ही हो, हर टाइम आपको स्टेल्थ खेलना पड़े या हर टाइम आपको असॉल्ट करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मर्जी के हिसाब से जैसा चाहे वैसा खेल सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे मेली वेपन हैं जो कि एक हमें क्रिएटिव किल करने का मौका देते हैं, और मेली वेपन का डैमेज भी बहुत ज़्यादा है, वन हिट किल करने हो जाता है आराम से। मतलब बहुत ज़्यादा आर्मर वाले एनिमी है तो नहीं होगा, अलग वो सबको पता है नहीं होगा, लेकिन जितना अच्छा क्रिएटिव किल हमें मेली वेपन के साथ करने को मिल जाता है वो यहाँ पर फायर आर्म के साथ नहीं होता। मान के चलो हम ज़्यादा बड़े वेपन यानी ज़्यादा पावरफुल वेपन के साथ सप्रेसर लगा रहे हैं या साइलेंसर लगा रहे हैं, तो वो अगर हम उससे किल करेंगे ना तो शक होगा, मतलब हल्की सी आवाज़ लीक होती ही है। साइलेंसर हमेशा छोटे वेपन के साथ लगाएंगे तो नहीं पता चलेगा, जैसे कि पिस्टल हो गया या यूजी हो गया, इन सब के साथ पता नहीं चलता है, जो कि ठीक है, थोड़ा रियल बनाने की कोशिश किया गया है, सही है। और अगर हम कहीं हायर ग्राउंड से लोअर ग्राउंड वाले एनिमी के ऊपर कूदे तो डायरेक्ट किल हो जाता है, जो कि अच्छा लगता है, टेक डाउन हो जाता है, आई मीन किल बोलना सही नहीं रहेगा, फायर क्राई है ना इसलिए टेक डाउन। और इस पार्ट में भी हमें गन्स फॉर हायर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें तीन एनिमल्स मिलते हैं जानवर और बाकी सब इंसान, ये सब लगभग सेम है, कोई कोई स्पेशल है, मतलब इंसान लोग को बोल रहा हूँ, जानवर तो बहुत ही अच्छे हैं, सबका अलग अलग यूज़ है। लेकिन इनमें से एक कैरेक्टर है इन गन्स फॉर हायर में, जेस ब्लैक, बहुत अच्छी कैरेक्टर है, बहुत अच्छी, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आप इसे हंटिंग करने जाओगे तो इसको ले जाना मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, और आप इसको ज़रूर लेकर जाइए एक बार, क्योंकि हमेशा ये तीर यूज़ करती है। बाकी गन्स फॉर हायर जो है वो गन यूज़ करते हैं, और अगर हम गन यूज़ करेंगे किसी जानवर को मारने में तो उसका स्किन की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर तीर यूज़ करेंगे तो डबल वैल्यू हो जाती है। तो हमेशा जेस ब्लैक को लेके जाओ, और साथ में किसी को रख लो, कुत्ता को रख लो, वो सेंस कर लेगा डॉगी अपना, ये दोनों अच्छा टीम बनाते हैं, मतलब दो गन्स फॉर हायर रख सकते हो एक बार में। और यहाँ पर एक गन्स फॉर हायर मेरा फेवरेट है, आपको लगेगा कोई इंसान है लेकिन नहीं, ये गन्स फॉर हायर एक भालू है, पता नहीं फायर क्राई 5 वाले रशिया से इंस्पायर हुए थे कि क्या है नहीं पता, लेकिन ये भालू का नाम चीज़ बर्गर है, और क्या ही पार्टनर है, क्या बताऊँ मैं आपको। अगर किसी को डायरेक्ट असॉल्ट करना है तो इससे अच्छा पार्टनर कुछ नहीं, ये आर्मर एनिमीज को भी एक बार में निपटा देता है, और कैसे ना निपटाए भाई, इतना बड़ा भालू है वो मारे गए, और अगर उसको कोई मार रहा है तो अपन तो रहते ही हैं बैकअप के लिए, बहुत अच्छा है गन्स फॉर हायर। और साथ में एक पूमा कैट भी है जिसका नाम शायद पीचेस है, वो भी बहुत अच्छी है, उसकी स्पेशलिटी ये है कि आप उसके साथ मिलकर अगर खेल रहे हो तो आप स्टेल्थ किल कर सकते हो, स्टेल्थ मिशन में जा सकते हो, इतना स्टेल्थी किल करती है ना भाई, किसी को पता नहीं चलता है। गन्स फॉर हायर अच्छी चीज़ है इस गेम में,
और ये हमें कई बार प्रोटेक्ट भी करती है, और गेम में कई बार ऐसा लगता है हम लोग अकेले हैं तो इनके साथ रहना अच्छा भी लगता है। ड्राइविंग और फ्लाइंग कंट्रोल की बात करें तो हमेशा फर्स्ट पर्सन गेम में इस गेम में कंट्रोल मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, उतना मज़ा नहीं आया। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे तब होती है कार या कोई ट्रक, खासकर ट्रक चलाते वक्त जब अपन मोड़ते हैं, किसी टर्न में रहते हैं तो साइड में कुछ रहता है तो वहाँ पर डेफिनेटली टकराती है, हल्की सी भी टकराएगी लेकिन टकराएगी ज़रूर। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, या शायद मैं ढंग से नहीं चला पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं हर बार ढंग से नहीं चला पाता हूँ। लेकिन ऐसा सिर्फ कार या ट्रक के साथ होता है, दूसरी गाड़ी में जाने से ऐसा नहीं होता है। खैर, फर्स्ट पर्सन गेम में ड्राइविंग और फ्लाइंग उतने अच्छे नहीं मिलते हैं हमको। हम यहाँ पर GTA जैसा कंट्रोल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वैसे भी डेवलपर भी अलग है और गेम भी अलग है काफ़ी। यहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा वेपन कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम गन में स्कोप लगा सकते हैं, मैगजीन लगा सकते हैं, साइलेंसर लगा सकते हैं और गन में स्किन तो लगा ही सकते हैं, जो कि अच्छा चीज़ है। बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन देखने को मिला है और साथ में यहाँ पर हमें कैरेक्टर कस्टमाइजेशन भी मिलता है, जो कि क्यों करा Ubisoft ने ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कोई सेंस प्ले करता ही नहीं है ये चीज़। हम आधे टाइम बस ना कैरेक्टर के हाथ को देख पाते हैं, हाथ को, और कभी कूद रहा है, गिर रहा है तो पैर दिखता है हमें उस पॉइंट पर। इवन कटसीन में भी ना ही दिखता है हमारा कैरेक्टर, कुछ नहीं दिखता है, तो सेंस नहीं बनता यार मैं कौन से कपड़े पहनूं या नहीं पहनूं। हाथ में बस कुछ अच्छा ग्लव्स व्लव्स पहना है तो सही लगता है। इससे अच्छा कैरेक्टर को स्पीच वाला बना देते Ubisoft वाले तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे और ज़्यादा मज़ा आता। वर्क सिस्टम यानी कि यहाँ का जो स्किल सिस्टम है वो काफ़ी बेसिक टाइप का है, जो कि जिसमें आप अगर पॉइंट डालोगे तो आपको अगर ज़्यादा वेपन रखने का स्पेस मिलेगा, ज़्यादा एमओ रखने का स्पेस मिलेगा, तो ऐसा कुछ है। ये सब पर्क देने के बजाय थोड़ा गेम प्ले को और इम्प्रूव करने वाला पर्क देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और यहाँ पर इस गेम में हमें होम्योपैथिक्स करके मिलते हैं केमिकल्स, जिसको यूज़ करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए ये लोग ये काम करते हैं, ये मेडिसिन कह लो या ये केमिकल जो भी है, सब्सटेंस कह लो। जैसे कि यहाँ पर फास्ट है, फास्ट को अगर यूज़ करोगे तो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागता है, और भी दूसरे नाम है मैं भूल गया हूँ तो आप लोग देख लेना। और एक प्रोटेक्ट करता है, कम डैमेज देते हैं, और एक हमारा पावर बढ़ा देता है मेली अटैक का। और चार तरह के हैं ये टायर शायद टोटल, या तीन तरह के हैं, याद नहीं आ रहा है, देख लेना। तो ये इसके बारे में भूल जाने होता है, लेकिन इसे यूज़ करना गेम खेलते वक्त बहुत कम आते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि Far Cry 5 का गेम प्ले न्यू डॉन से थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा है पुराने Far Cry से कंपेयर करें तो। ये इतना अच्छा है कि ना किसी को भी ना अगर अच्छा गेम प्ले वाला गेम खेलना है तो ये उनको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी होगा। Far Cry New Dawn से अच्छा गेम प्ले इससे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि New Dawn तो बाद में आया था और उसमें थोड़ा सा अलग अलग प्रोग्रेस होता है, स्टोरी थोड़े क्या अलग ही है इससे। तो हम Far Cry New Dawn से ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इसका गेम प्ले, क्योंकि वो एक अलग गेम है, ये एक अलग गेम है, दोनों Far Cry है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम है। इसका गेम प्ले बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है मैं ये कह सकता हूँ। 6 नहीं खेला हूँ मैं तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये अच्छा गेम प्ले है इसका। इन्वायरमेंट Far Cry 5 होप काउंटी नाम की एक फिक्शनल जगह पे बेस्ड है, जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर हर जगह पेगीज का कब्जा रहता है, पेगीज मतलब वही विलन की टीम, या विलन की टीम वाले गुंडे कह लो, समझ गए ना आप। मतलब ना शुरू के टाइम कुछ टाइम तक तो ऐसा लगेगा कि कुछ काम आपको चैन से नहीं करने देंगे, इवन ट्रेवल भी करते रहेंगे अपन, इधर से उधर जा रहे हैं, गाड़ी वाड़ी में दौड़ाना चालू कर देंगे। और कई बार तो ऐसा होता है, मतलब लोगों का अपना अपना पसंद होता है, मुझे यहाँ पर पसंद है फिशिंग करना, Far Cry में मेरा फेवरेट चीज़ है यहाँ फिशिंग करना, तो फिशिंग भी कर रहे हैं तो आके मारना चालू कर देंगे हमको एनिमी। अब ऐसा टाइम फिशिंग तो कर नहीं सकते ना, उसको छोड़ कर लड़ना पड़ता है हमें, तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं पेगीज लोग शुरू में। पेगीज हमेशा हमको नहीं, मतलब आप हमको दिखते हैं स्काउटिंग करते हुए, या फिर किसी को किडनैप कर रहे हैं, या डिलीवरी वैन ले जा रहे हैं, या फिर लोगों को मार रहे हैं, या ज़बरदस्ती कुछ लेबर वाला काम करा रहे, यही सब करते हुए दिखते ही है हमको, या कुछ किसी चीज़ को गार्ड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग, मतलब नॉर्मल पीपल को बोल रहा हूँ, देखने को नहीं मिलते, इसलिए ऐसा लगता है कि हम एक ना कोई लोन सर्वाइवर वाला गेम खेल रहे हैं, जो कि आइलैंड में फंस गए हैं जहाँ पर हर लोग बस पैगी है। जैसे कि
कह सकते हैं इसे हमें थोड़ा सा टॉम राइडर 2013 जो था, जहाँ पर आइलैंड में फंस जाते हैं, वैसा वाला फील दिलाता है फार क्राई में, क्योंकि हमारे दोस्त बहुत कम हैं यहाँ पर भी और नॉर्मल लोग भी कम हैं। हालांकि प्रोग्रेस करते हैं, जैसे कि 35 लोगों को मारते जाते हैं तो आउटपोस्ट क्लियर करते जाते हैं तो नॉर्मल लोग दिखते हैं। थैंक्स टू यूबीसॉफ्ट कि उन्होंने यहाँ पर गन्स फॉर हायर दिया है, जो हमारे साथ रहते भी हैं, अच्छा लगता है उनके साथ रहना और हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, तो ये बैकअप जैसा हो जाता है। फार क्राई 5 में हमें एक चीज़ की कमी ज़रूर महसूस होती है कि वो है अच्छे साइड एक्टिविटीज़, अच्छे साइड मिशन यहाँ पर ना बहुत कम है। कोई कोई मिशन करने में मज़ा आता है, बाकी तो एकदम सिंपल मिशन रहता है, कुछ खास नहीं। यहाँ पर बस हमें स्टोरी को छोड़कर थोड़े बहुत साइड मिशन मिलते हैं, एनिमल हंटिंग कर सकते हैं, आर्केड खेल सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं या फिर आउटपोस्ट क्लियर कर सकते हैं। आउटपोस्ट क्लियर करना और फिशिंग करना, ये दो चीज़ मेरा फेवरेट है, बाकी सब आप सब अपने हिसाब से खेल सकते हैं। लेकिन ना इन सब के अलावा और भी कुछ देना चाहिए था, क्योंकि ना या फिर इन सब को ना अलग टाइप का बनाना चाहिए था, हर साइड मिशन अलग टाइप का, समझ रहे हो ना, जैसे विचर 3 में हुआ करता था। खैर हम कंपेयर नहीं कर सकते उससे, क्योंकि वो बहुत अलग गेम है विचर 3, फार क्राई 5 अलग गेम है, डेवलपर भी अलग है। तो ये थोड़ी देर के बाद दिक्कत ये होती है फार क्राई 5 के साथ कि ये सब जो मिशन है ना, ये बोरिंग हो जाता है और रिपीटेटिव हो जाता है। और कोऑप की बात करें इस गेम की, तो कोऑप ठीक ठाक है, अगर किसी दोस्त के साथ खेल रहे हो तो आप उसके साथ खेल सकते हो, और साथ ही में आप लोग एक गन्स फॉर हायर भी रख सकते हो अपने साथ, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है। स्टोरी अगर खेल रहे हो कोऑप से तो स्टोरी के टाइम ठीक रहेगा गेम प्ले, लेकिन जैसे ही कटसीन होता है ना, हमारे दोनों कैरेक्टर यानी कि दो प्लेयर जो खेल रहे हैं वो एक हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए था यूबीसॉफ्ट को। इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करना कि कॉल ऑफ ड्यूटी या बैटलफील्ड जैसा आपको मल्टीप्लेयर गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा उतना अच्छा। विजुअल्स, ग्राफिक के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना चाहिए, ये 2018 में लॉन्च हुआ था, लगभग 4 साल पहले, और आप खुद ही देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये गेम। वीडियो एचडी में कर लो, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा डिटेलिंग कैसी है। खैर इसकी बेंचमार्क वाली वीडियो नहीं डाली है मैंने चैनल पे, लेकिन जल्द ही डालूंगा। अब पीसी के लिए ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज है, और अगर आपके पास डिसेंट मशीन है तो आप इसको हाई सेटिंग पे 60 FPS आराम से अचीव कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्स एंड रेजोल्यूशन। इस गेम को हम जब भी डाउनलोड करते हैं तो हमें HD टेक्सचर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि यूबीसॉफ्ट के साइड से प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारे गेम में होता है, फायर क्राई सीरीज में तो होता ही है ये, और हमें गियर्स ऑफ वार गेम हो गया, गियर्स 5 मतलब, और साथ में वॉच डॉग्स जैसे गेम में भी देखने को मिलता है, और भी कई सारे गेम में होगा, सबकी नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी टेक्सचर कितने अच्छे दिख रहे हैं। अगर आपके पास अच्छा हाई एंड पीसी है और आपको लगता है कि अगर हैंडल कर सकता है आपका पीसी, या फिर अगर आप देखना चाहते हो कि कितना ज़्यादा HD टेक्सचर इम्प्रूव करता है इसे क्वालिटी को, तो ज़रूर चेक कर लेना। मेरे पास नहीं थे तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ वीडियो। गेम की डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, चाहे वो इन्वायरमेंट हो या कैरेक्टर हो। कैरेक्टर डिटेलिंग खास करके कई कई सारे गेम में ऐसा लगता है कि या कैरेक्टर हमारा अलग है और जो इन्वायरमेंट चल रहा है यहाँ पर ये अलग जगह है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगता। कोई किसी भी कैरेक्टर के साथ हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो सही लगता है, मतलब कनेक्टेड लगता है, जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ कैरेक्टर कनेक्टेड लगता है, ये चीज़ अच्छी है इस गेम में। और ऑनेस्टली एक बात कहूँ तो, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ये गेम फार क्राई न्यू डॉन से भी अच्छा लगता है। मतलब न्यू डॉन से अच्छा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ना न्यू डॉन में हर चीज़ ना एक पिंक टिंट चले जाता है, पता नहीं विलन को दिखाने के लिए है या फेमिनिज्म है, जो भी है, मतलब ऐसा नहीं कि पिंक से मुझे कुछ नफरत है या मैं ज़्यादा मैस्कुलाइन बन रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पिंक कलर ठीक लगता है, जैसे कि रोज़ गोल्ड कलर का फ़ोन आता है, फ़ोन चलाते हैं ना लड़के भी, अच्छा दिखता है इसलिए चलाते हैं, इसलिए खरीदते हैं उस कलर को, तो उससे कुछ बेकार नहीं हो जाता। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि मान के चलो फ्लेमिंगो अच्छा लगता है क्या, इतना पिंक रहता है क्या अच्छा लगता है, उससे अच्छा दूसरे सारे बर्ड्स आते हैं, पिंक थोड़ा बहुत भी रहते हैं लेकिन सही लगते हैं ना, तो उस हिसाब से फार क्राई न्यू डॉन एकदम हर चीज़ को पिंक कर देता है, हर जगह पिंक, तो ना मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो जहाँ तक फार क्राई 5 की बात है तो देख लो यहाँ के कलर कैसे रहते हैं, आप लोग खुद को पता है, ये ज़्यादा मुझे पसंद है। सबका चॉइस अलग होता है, किसी को पिंक पसंद होगा तो फार क्राई न्यू डॉन उसे डेफिनेटली पसंद आएगा।
तो अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि आपको ये गेम 2022 में लेना चाहिए या नहीं। तो प्राइजिंग की बात करें तो फायर क्राई हमेशा से, मतलब यूबीसॉफ्ट का टाइटल है यानी कि ट्रिपल ए टाइटल रह चुका है, जिसकी प्राइस हमेशा 1500 से ऊपर ही रहती है, 1000-1500 से, क्योंकि ये पुराने हो जाने के बाद भी बहुत कम नहीं आती है इनकी प्राइस। लेकिन अगर हम सेल की बात करें तो सेल के में ये 1000 के अंदर, इवन 500 के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी डील बना देता है इसको। सेल टाइम टू टाइम चलते रहते हैं यूबीसॉफ्ट में। अभी 14 फरवरी तक चल रहा है एक सेल यूबीसॉफ्ट में, इस गेम के ऊपर 600 रुपये मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी डील है अगर हम देखें तो। इसका प्राइस ज़्यादा कम नहीं हुआ क्योंकि ये ट्रिपल ए टाइटल है, दूसरा गेम रहता तो कम हो जाता, जैसे कि विचर में देखा होगा वो 300 रुपये में मिल जाता है हमें, विचर 3 की बात करूँ तो मैं। बाकी गेम के साथ ऐसा नहीं है, ट्रिपल ए टाइटल ज़्यादा कम नहीं होते हैं, आपको भी पता होगा। यूबीसॉफ्ट के कुछ गेम आपने देखे होंगे, जैसे कि असैसिन क्रीड हो गया, सिंडिकेट मान के चलो, वो भी मिलता है 600-700 रुपये में सेल में, शायद और भी कम हो इन फ्यूचर। लेकिन 2018 के हिसाब से अभी इसको 1000 से ज़्यादा पे करना, 1000 रुपीज से, 1000 रुपये से ज़्यादा पे करना सेंस नहीं बनता। तो ये जो सेल में मिलता है हमें स्टीम में, टाइम टू टाइम सेल चलते हैं वहाँ पर अच्छे प्राइस में 1000 रुपये के अंदर, तो ये गेम बिल्कुल वर्थ इट है ख़रीदना। और इसके कॉम्पिटिशन से कोई ऐसा खास डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं आता इसका, कॉल ऑफ ड्यूटी में बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, और ओपन वर्ल्ड तो भूल जाओ, नहीं मिलता किसी में ऐसा। ओपन वर्ल्ड के हिसाब से दूसरे गेम फिर शेडो ऑफ वॉर हो गया, एकदम अलग ही जनरा हो जाता है, तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट कंपटीशन कोई है ही नहीं इसका। अगर आपको ऐसा गेम प्ले पसंद है, ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर, एनिमल हंटिंग करना, थोड़ा इन्वायरमेंट वाला और टेररिस्ट वगैरह वाला, तो फर्स्ट पर्सन शूटर भी, तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट दिस गेम। Thanks for watching. See you next time. Goodbye. Take care.